हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का एक अलग ही महत्व है, चाहे दीपावली हो या काली पूजा, दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा या फिर विश्वकर्मा पूजा, किसी भी आयोजन में मूर्ति पूजा काफी मायने रखता है और हर मंदिरों में इसकी स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा कर नियम निष्ठा से पूजा की जाती है। वहीं मूर्ति बनाने वाले कुम्हार पंडित की स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। 40 वर्षों से मूर्ति बनाने का काम कर रहे अंबे के रंजीत मंडल ने बताया कि हम लोगों के पूर्वजों से चली आ रही यह मूर्ति बनाने का व्यवसाय अब दयनीय स्थिति में जा रहा है। मूर्ति तो बनते जा रहा है लेकिन हम लोगों को उचित कीमत नहीं मिल पा रहा। पुआल, बांस, सुतली सबों का दाम हद से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हम लोगों को पर्याप्त मेहनताना नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते हम लोगों की माली हालत काफी खराब होती चली जा रही है। सभी चीजों का दाम बढ़ गया है, पहले इतनी परेशानी नहीं होती थी, अब गंगा की मिट्टी भी काफी महंगे दामों में मिल रही है, जिसके चलते हम लोग काफी परेशान हैं और पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। हम मूर्तिकारों पर सरकार भी विशेष पहल नहीं कर रही, अगर सरकार ध्यान दे तो हम लोगों की माली हालत सुधर सकती है। उन्होंने बताया कि हम लोगों के पिताजी 1954 से यह काम लगातार करते आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने का जिम्मा मैंने लिया है, लेकिन अब संभव नहीं हो पा रहा है, हम लोग कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। परेशानी मूर्ति के साथ में हर चीज का दाम बढ़ गया है, मूर्ति वाले का दाम नहीं बढ़ा। मूर्ति से संबंधित पहले क्या था कि मिट्टी भी हम लोग को मिल जाता था इधर उधर से, आप तो मिट्टी भी खरीद के मंगाना पड़ता है, सब मिट्टी गंगा जी का मिट्टी 2000-4000 में भी अब नहीं मिलता है, 5000-6000 रुपया टेलर आपका ये जो है खेत वाला मिट्टी 2000 रुपया टेलर, वो भी बढ़िया मिट्टी नहीं मिलता है। सब नेवारी का दाम बढ़ गया, तख्ता का दाम बढ़ गया, सुतली का दाम बढ़ गया, हर चीज़ पर मतलब जो है ना रंग का दाम बढ़ गया, बार्निश वगैरह जो हम लोग 25 रुपया में खरीदते थे उसका 200 रुपया कीमत हो गया, 1000-1000 रुपया किलो का रंग है। और मूर्ति जो है ना बढ़िया मूर्तिकार के लिए जो है ना अब कुछ नहीं रखा है, अगर यदि मान लीजिए मूर्ति का पैसा बढ़वाने के लिए बोलेंगे तो नहीं बढ़ेगा, ऐसे है वैसे है, बहुत तरह की बात है। कमा होता है? हाँ ना, क्या होता है? ना क्या होगा मतलब जो है ना यही सब बस पेट भर गया हम लोग का, यही बहुत है। जब तक मूर्ति का काम चला तब तक पैसा देख लीजिए, मूर्ति का काम खत्म हुआ पैसा खत्म, कोई रोजगार नहीं। कब से कर रहे हैं ये धंधा? हम कर रहे हैं 12 साल की उम्र से, आज हम 40 साल से कर रहे हैं धंधा। हाँ, पिताजी करते थे 1954 से, उसी के अथी के गरीबी के कारण जो है ना हम थोड़ा सा मूर्ति का काम उम पकड़े, हम सोचे कि बढ़िया रहेगा लेकिन इसमें जो है ना और दिन प्रतिदिन जो है ना काफ़ी परेशानी खूब है। रात दिन खटेंगे तब 500 रुपया कमाएंगे, हम लोग से बढ़िया ठेला वाला ये सब जो है ना कि भी जरा सा स्टेशन अगर 4 बोरा मिट्टी लाने के लिए भेजे पहुंचाने के लिए बोलेंगे तो बोलेगा 400-500 ले। ऐसा दिक्कत कैसे आ रहा है? दिक्कत सामान का दाम बढ़ते गया, पार्टी अब जो है ना वो नहीं खोजता है कि हमको मूर्ति बढ़िया होना चाहिए, मतलब मूर्ति के लिए कोई भी अगर यदि 2000 रुपया कमों में कोई कैसी हो मूर्ति बन जाता है ना। पहले मिट्टी तो बगल उगल से गंगा जी से आपका पोखर उखर से मिल जाता था मिट्टी, अब तो कहीं नहीं, अब तो जमीन बिक्री होता है तो कोई कोड़ने थोड़ी देगा। हाँ समस्या मूर्ति के लाइन में बहुत समस्या है। रंजीत पंडित, अम्बई, भागलपुर।